तो जल्दी से हम चलते हैं अपने ट्रेड की तरफ। ट्रेड और इंडस्ट्री आज हम करेंगे, ये सब हमने लास्ट क्लास पढ़ लिया था आपके साथ, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस की बात करेंगे कि भाई वो क्या थी क्या नहीं थी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा ट्रेड की, ट्रेड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, भाई क्यों इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी ली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात आज हम यहाँ अपने क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई थोड़ी सी बात करें कि ट्रेड इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ कैसी थी इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस के बाद हमें ज़रूरत थी कि हम हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ बनाएं। हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री बोले तो आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री को हम हैवी इंडस्ट्री, जो भी मशीन जिस इंडस्ट्री में हम हैवी चीज़ें मशीन बनाते उसको हम हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। कैपिटल वाली इंडस्ट्री मतलब जिसमें बहुत सारा कैपिटल लगेगा, करोड़ों रुपये लगेंगे उसको बनाने के लिए, तो क्या उसे प्राइवेट फर्म जिसको प्रॉफिट बहुत जल्दी जल्दी से कमाना है क्या वो उसे करेंगे? जी नहीं, नहीं करेंगे भाई। जो भी प्राइवेट फर्म्स होते हैं वो उन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उस इंडस्ट्रीज को अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो कौन करेगा उस इंडस्ट्री को सपोर्ट? तो भाई उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जो है उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है और वहाँ पे अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो ये बात हमने की अपनी गवर्नमेंट। तो आज का टॉपिक पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रोल है। पब्लिक, जब भी ये शब्द सुनो ना पब्लिक, इसका मतलब होता है सरकार, गवर्नमेंट, हम आप नहीं है, गवर्नमेंट। और प्राइवेट यानी कि हम आपकी बात हो रही है, जो हम इंडस्ट्रीज में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? तो भाई गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है, उनका काम क्या है, क्या करना है उनको इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए, बता सकते हैं कोई आप में से? कोशिश कर लो। ठीक है, तो पहला उनका इंपॉर्टेंट रोल है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ज़्यादा करेगी। तो फैक्ट्री बनाओ, इंडस्ट्री बनाओ, क्रिएट इंडस्ट्रियल बेस, एक एक जगह से शुरू करना है। शुरू करने के बाद तो घर मकान जल्दी जल्दी बनता है, पता है, पहले नींव डालने में, एक किसी भी घर को बनाने में नींव डालने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। सबसे ज़्यादा हम कहते हैं हमको स्ट्रॉन्ग नींव रखनी है, तो इंडस्ट्रियल बेस मतलब उसकी स्ट्रॉन्ग नींव। तो वो स्ट्रॉन्ग नींव क्या रखना है भाई, जब गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेंगे तब वो स्ट्रॉन्ग नींव रखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद है एक्सपैंड मार्केट। अब भाई लोग जो हैं, लोग बहुत होने चाहिए, खरीदने वाले बेचने वाले, मतलब मार्केट एक्सपैंड करना मतलब इंक्रीज करना है हमको बायर्स और सेलर्स, तभी तो जाके चीज़ें बनाएंगे तो बिकेगी। तो ये तीन पॉइंट कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो यानी पैसे इन्वेस्ट किए जाएं, इंडस्ट्रियल बेस हो और मार्केट बढ़े, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है फॉर गुड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, फॉर बेटर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जो प्रॉफिट कमाए, जो जीडीपी बढ़ाए। ठीक है, तो रोल क्या है सरकार का और हमारा, कि हम खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करें, एक अच्छा बेस बनाएं इंडस्ट्रियल और मार्केट को एक्सपैंड करें। ठीक है, अब बात करते हैं अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ठीक है भाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन मतलब ये दृढ़ कर कि हम कुछ अच्छा करेंगे, क्या अच्छा करेंगे वो है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1948 में। ठीक है, वो हमारा पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया? 1956 में आया। ठीक है,
पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आई थी हमारी 1948 में, उसके बाद आई 1956 में। जब इंडियन 1956 में आई तो हमने सेकेंड फाइव ईयर प्लान के बेसिस पे ये आईपीआर बनाया, ठीक है। सेकेंड फाइव ईयर प्लान के ड्राफ्टमैन कौन है? नेहरू जी को हम मानते हैं, प्लस पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो हैं उनको हम क्रेडिट देते हैं फॉर द प्लानिंग, फॉर द पूरा जो लिख कर उन्होंने सेकेंड फाइव ईयर प्लान की जो सोच है वो नेहरू जी की और पीसी महालनोबिस है। तो उन्होंने बोला था कि हमको क्या करना है, इंडस्ट्रीज यानी हैवी और HEAVY हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज पे हमको ध्यान लगाना है, उनको डेवलप करना है, ठीक है। तो देखो अब उन्होंने उस सेकेंड फाइव ईयर प्लान के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को तीन कैटेगरी में बांटा, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, ठीक है। क्या? फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज रखी जिसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही जो है चलाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चलाएगी, गवर्नमेंट ही चलाएगी, ओके। तो पहली कैटेगरी में क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंडस्ट्री आ गई, ठीक है भाई। ऐसी कौन सी होती है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी की इंडस्ट्री बात कर ले हम, ठीक है। आर्म्स एंड एम्यूनेशन, आर्म्स एंड एम्यूनेशन की इंडस्ट्री जो बंदूकें बनती है, ठीक है। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली, जो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री वो सरकार ने अपने पास रख ली। तो ऐसी जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट ने बोला कि मैं ही चलाऊंगा, मेरा ही रहेगा, ठीक है भाई। सेकंड कैटेगरी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिल के चलाएंगे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ पब्लिक, तो पब्लिक और प्राइवेट बिल्कुल हाथ में हाथ लेके उन इंडस्ट्रीज को चलाएंगे, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी में आया सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कि वो इंडस्ट्रीज जो पहले और दूसरे कैटेगरी में नहीं थी उन सबको तीसरी कैटेगरी में डाला और बोला कि प्राइवेट सेक्टर आप चला लो। तो फर्स्ट कैटेगरी में गवर्नमेंट, सेकंड कैटेगरी में पब्लिक प्राइवेट दोनों, और थर्ड कैटेगरी में हमारे पास प्राइवेट सेक्टर आ गया, ठीक है। अब बात करें गवर्नमेंट रोल टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, भाई ये हमने एग्रीकल्चर में भी पढ़ा कि रीजनल इक्वालिटी चाहिए, ठीक है। फिर हमने इसे कहां पढ़ा, हमने इसे इंडस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं कि रीजनल इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ सोच रही है। टू प्रमोट इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन लाइसेंस वाला सिस्टम लेकर आए हैं, ठीक है। लाइसेंस के सिस्टम से क्या होगा भाई, जिसको भी इंडस्ट्री खोलनी है लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो कुछ लाइसेंस, कुछ परमिशन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए छोड़े कि भाई जैसे दोना होता ना, जैसे पत्ते होते हैं जिसमें हम गोल गप्पे खाते हैं, प्लेट्स बनती है, सिकोरे बनते हैं जिसमें चाय पीते हैं, कुल्हड़ जिसे बोलते हैं, वो सारी छोटी मोटी इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री, वो सारे इंडस्ट्री जो है स्मॉल एंड मीडियम स्केल को के लिए रिजर्व रखी गई कि भाई उसमें बड़े लोगों का कोई हाथ नहीं होगा, ठीक है। टू प्रमोट इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन, बैकवर्ड रीजन यानी कि लेस डेवलप्ड रीजन, यानी कि लेस डेवलप्ड रीजन, सिस्टम ऑफ लाइसेंस वॉज अडॉप्टेड, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा तभी जो है वो कोई इंडस्ट्री हम खोल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है एट लोअर टैरिफ मिलेगी। तो अगर हम लाइसेंस लेके काम करें, हम अगर लाइसेंस लेके काम करें तो क्या होगा, हमें मिलेंगे टैक्स बेनिफिट और इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे मिलेगी। बहुत बढ़िया बात है भाई, टैक्स से छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगी और इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे मिलेगी। लाइसेंस फॉर एक्सपांडिंग आउटपुट फॉर डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन, अगर मान लीजिए सिंपल सी बात करती हूँ कि आप साबुन बनाते हैं और आपको शैम्पू और हेयर ऑयल भी बनाना है, तो आप डाइवर्सिफाई करोगे तो आपको फिर से लाइसेंस, फिर से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये बॉटल बना रहे हो, ठीक है, आप बॉटल बना रहे हो और आपको ये पेन बनाना है तो आपको वापस से परमिशन लेकर आनी पड़ेगी। अगर आप सेम प्रोडक्ट्स की लाइन में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो आपको फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। टू इंश्योर दैट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वाज नॉट मोर देन द इकोनॉमी रिक्वायर्ड। अब ऐसा हो कि भाई आपका जो स्केल है कि आप 1,000 पीस बनाओ, 10,000 बनाओ, 1,00,000 बनाओ, जितनी इंडिया को ज़रूरत है उतना,
आप ज़्यादा बना दोगे तो रिसोर्सेज लग गए और वो वेस्ट चले जाएंगे, बिकेंगे भी नहीं, तो रिसोर्सेज हमारे देश के ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए लाइसेंस सिस्टम लेकर आए कि हमें पता रहे कौन क्या बना रहा है, कौन कितना बना रहा है, कौन क्या क्या बना रहा है। ये अब सरकार जानना चाहती थी, उस पर कंट्रोल रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, लाइसेंस सिस्टम प्रमोट किया। ठीक है, कुछ चीज़ों में लाइसेंसिंग काम भी आई, लेकिन कुछ चीज़ों में ज़्यादातर हमें इसका डीमेरिट का जो है सहना पड़ा। अब बात है यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है? इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी, कारवे कमिटी, भैया एकदम गाड़ कर रख लो, ठीक है, कारवे कमिटी जो बनी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बनी थी। ठीक है, कारवे कमिटी बहुत वन मार्कर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। ठीक है भाई, इनका क्या काम था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बढ़ावा करें, उनको बढ़ाएं ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके। In 1950, a small-scale industry unit was one which invested maximum of 5 lakh. ठीक है, हमेशा ये definition change होती है। ठीक है, जैसे जैसे economy develop होती है, हमारी small-scale industry की definition भी change हो जाती है। ठीक है, तो 5 lakh जो है, 5 लाख रुपए अगर आप invest करोगे, तो वो small-scale industry है। लेकिन आज की date में ये बढ़कर हो गया है 1 करोड़। ठीक है, यानी 70। तो अब अगर कोई कंपनी 1 करोड़ रुपी इन्वेस्ट करती है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट होती है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर मोस्ट लेबर इंटेंसिव। तो क्या होता है भाई, लेबर कैपिटल इंटेंसिव यानी मशीन ज़्यादा यूज होना, लेबर इंटेंसिव यानी लेबर, खून पसीना। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल काम है वहाँ पे, लोग चाहिए। ठीक है, मैन पावर ज़्यादा चाहिए और मशीन कम चाहिए। ऐसे इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव, यानी कि यूज ऑफ मोर लेबर एंड लेस मशीन मोर लेबर। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती, तो अच्छी बात है। तो अगर रूरल डेवलपमेंट में कारवे कमेटी बढ़ावा दे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, तो एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मोर लेबर इंटेंसिव होती है। थैंक यू सो मच, योर वीडियोज़ हेल्प अस अ लॉट, बिकॉज ऑफ यू आई स्कोर 97 इन। ओके मोहम्मद अरशान, सो गुड, थैंक यू बेटा, आपने 97 स्कोर किया। बेटा कहाँ पे स्कोर किया ये भी बता दो कि अपने कॉलेज में, स्कूल में, कहाँ पे आपको 97 मिले इकोनॉमिक्स में। बहुत ही अच्छी बात है, अरशान को हम बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपने इतने अच्छे से स्कोर किया। चलिए, तो हमने पूछा है अरशान से, बेटा कि आपने कहाँ कैसे स्कोर किया है ये भी जरा हमें बता दो। क्लास 12 बता रहे, ठीक है जी, क्लास 12 में इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट आपको। आगे चलते हैं, चलिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात थी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमने क्या बोला कि जो पहले वाला डेफिनेशन था उसमें 5 लाख की लिमिट है, अब अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माने जाएंगे। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू बी शील्डेड फ्रॉम लार्ज फर्म्स, लार्ज फर्म्स से उनको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है, लार्ज फर्म से प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट कैसे होगा, फॉर दिस पर्पज द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स वॉज रिजर्व्ड फॉर स्मॉल्स। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, गुड्स एंड जो हैं, वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना पाएगी, जैसे कि ढक्कन होते हैं, प्लास्टिक के ढक्कन, प्लास्टिक का प्लेट, जिसमें हम गोलगप्पे खाते हैं वो दोने, जिसमें जो प्लेट्स मिलती हैं, जिसमें हम चाय पीते हैं वो कुल्हड़, इस तरीके पेपर की इंडस्ट्री। ठीक है, ये सारी कुछ
चीजें जो रिजर्व कर दी, ग्लासेस, डिस्पोजेबल्स, ये सारी इंडस्ट्री को डिस्पोज, मसालों की इंडस्ट्री, तो ये सारी पापड़ वगैरह है ना, तो ये जो कंज्यूमेबल जो छोटी चीजें, उन सब की इंडस्ट्री को, नट बोल्ट बनाना हो, छोटी कोई इंडस्ट्री जहां पे बनाया जा सकते, उनको रिजर्व किया कि भैया ये तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही बनेगी, रूरल एरिया में बनेगी, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। इसमें भी ना कुछ चालाकी कर दी लार्ज स्केल वालों ने, क्या चालाकी करी है, दे वर ऑल्सो गिवन कंसेशन सच एज लो एक्साइज ड्यूटी। अब अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना सामान, तो एक्साइज ड्यूटी जो है मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, जरूरी सिर्फ मतलब जब भी आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ से आपके, जैसे ही आपके फैक्ट्री से वो सामान निकलेगा, एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो बैंक लोन जो है वो लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को, कंसेशन मिल रहे हैं, जैसे कि कम एक्साइज ड्यूटी मांगेगी गवर्नमेंट, जो कमर्शियल बैंक हैं, जो फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग है, वो उनको सस्ते में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगा के लोन दे देंगे। ठीक है, तो ये फायदे हो गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए रिजर्व है, और सरकार भी हेल्प कर रही है और बैंकिंग सिस्टम भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो भी चीजें हम बाहर से मंगवा रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है, जो भी चीजें इंडिया जो है वो मंगवा रही है या फिर क्या होगा इसको, क्या बोलेंगे, इंपोर्ट कर रही है। कहाँ से इंपोर्ट कर रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कहाँ से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसका हमें सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन करना, यानी कि इंपोर्ट नहीं करना, खुद के देश में उसको प्रोड्यूस करना है, या फिर उसका अल्टरनेटिव अपने देश में बनाना है। ये बात है हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, इंपोर्ट बाहर से नहीं करेंगे, अपने घर में बनाएंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, मतलब अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कीवर्ड है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इसका क्या मतलब है, इनवर्ड मतलब अपने देश में देखो, झांको अपने देश में कि आप भी वो चीजें बना सकते हो जो बाहर से मंगवा रहे हो, मत करो इंपोर्ट। ठीक है, वो जरूरी चीजें जो आप अपने देश के रॉ मटेरियल से, अपने देश के लेबर से, अपने देश के मशीन से बना सकते हो, वो अपने घर में बनाओ, अपने इंडिया में बनाओ, दैट इज योर इनवर्ड लुकिंग। ठीक है, अंदर की तरफ देखो, अपने देश में देखो कि आप कैसे वो बना सकते हो। दिस पॉलिसी एम्ड एट सब्स्टिट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, कि सब्स्टिट्यूट करेंगे इम्पोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग व्हीकल्स, हम बाहर से व्हीकल्स जो हैं, गाड़ियां नहीं मंगवाएंगे, हम घर में बनाएंगे। ठीक है, घर में बनाएंगे मतलब इंडिया में फोर व्हीलर टू व्हीलर बनेगी, इन अ फॉरेन कंट्री से नहीं मंगवाएंगे, वुड बी एनकरेज टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया। ठीक है, तो मारुति जो है हमारी कंपनी है, जो टाटा है, मारुति है, वो हमारे लिए जो है फोर व्हीलर अपने देश में बनाती है। गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया कि भैया ठीक है, हम फॉरेन कंपनीज को इंडिया में नहीं आने देंगे। 1991 जब तक हमने एलपीजी पॉलिसी नहीं ली, ग्लोबलाइजेशन नहीं किया, तब तक बाहर की बहुत सारी कंपनीज इंडिया में अलाउड नहीं थी। जी है ना अरशान जी, नहीं थी। गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन कि भाई फॉरेन फर्म्स को माने नहीं। ये जो आजकल हम नाइकी के जूते पहनते हैं, हम ब्रांडेड फॉरेन कार्स में घूमते हैं, हमारे पास घड़ियां होती है ब्रांडेड, हमारे कपड़े होते हैं जो ली कूपर और लिवाइस के और डॉल्सन गबाना, ये जो ब्रांड्स आजकल हम जानते हैं, ये हमने ग्लोबलाइजेशन के बाद ही, हम इनके जो मॉल्स में हमने अलग अलग शोरूम जो हम देखते हैं अलग अलग ब्रांड के, ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के वजह से। इससे पहले प्रोटेक्शन था, हम जल्दी से दूसरे कंट्री की फर्म्स को और उनके फॉरेन कंपनीज को हम अंदर नहीं आने देते थे। ठीक है, ताकि जो सर इंडिया में चीजें बन रही, लेकिन वही है, इंडिया में वो वाला प्रोड्यूसर वही
हमसे ही लेना पड़ेगा, बाहर का सामान नहीं आएगा। तो उसने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया, क्वालिटी इंप्रूव नहीं की, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन लेना पड़ा। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट टू टू फॉर्म्स टैरिफ एंड कोटा। तो भाई अगर इम्पोर्ट से प्रोटेक्शन लगाना है तो सरकार ने क्या किया, टैरिफ एंड कोटा लगा दिया। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है टैरिफ एंड कोटा क्या होता है, टैक्स ऑन इंपोर्ट या क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन इंपोर्ट को कोटा को बोलते हैं और टैरिफ यानी टैक्स ऑन इंपोर्ट। तो भाई अगर आप कुछ भी इंपोर्ट करोगे तो हम उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। कैसी रेस्ट्रिक्शन, हम उस पर टैक्स लगा देंगे, हम ये बोलेंगे कि आप ये सारा सामान जो है वो लिमिट ही में मंगवा सकते हो, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो भाई टैरिफ क्या है, टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। टैरिफ क्या है, टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। अगर आपने कुछ भी बाहर से मंगवाया उस पर हम लगा देंगे टैक्स, तो टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स हो जाता है टैरिफ। और कोटा क्या है, कोटा स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड। तो वो गुड्स जो आप बाहर से मंगवा सकते हो उस पर हमने क्या लगाया, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, ताकि हम बाहर से चीज़ें नहीं मंगवाएं और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस चीज़ें खरीदें। तो भाई महंगी हो जाएगी, अगर कोई चीज़ $5 की है उस पर अगर $1 का टैक्स लगा दिया तो $6 की हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, है ना। क्वांटिटी पे भी लगा दिया कि भाई 5-10 मंगवाना चाहते हो लेकिन 5 ही मंगवा सकते हो, क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन यानी कोटा। ठीक है, क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन होता है, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन कि आप बाहर से कितनी क्वांटिटीज मंगवा सकते हैं उस पर रोक लगा दी जाए कि भैया 100 ले आना, 100 नहीं आप 10 ही मंगवा सकते हो। ठीक है, टैरिफ होता है टैक्स लगाना ऑन इंपोर्ट्स। तो ये दो जो हथियार है गवर्नमेंट ने यूज किए ताकि लोग जो है कम इंपोर्ट करें और देश के बनाए हुए सामान। अजय सिंह, हेलो मैम, हाय अजय। ठीक है, तो भाई आज ये हमारी ना सीयूईटी में क्लास नहीं चल पा रही है अजय जी के वजह से। अजय जी आप जरा देखिए सीयूईटी में हमारा लिंक क्यों नहीं बना आज। द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वर नॉट एबल टू कम्पीट अगेंस्ट द प्रोड्यूस्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड बाई डेवलप्ड कंट्रीज। अब भाई डेवलप्ड कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, गवर्नमेंट डेवलप्ड कंट्रीज में अच्छी टेक्नोलॉजी है, कम लेबर में बड़ा सुंदर सामान बना देते हैं, सस्ते में बेच देते हैं, अच्छे क्वालिटी में बेच देते हैं। तो भाई हमको क्या चाहिए, उनसे प्रोटेक्शन चाहिए कि हम उस सिचुएशन में नहीं थे 1950s के टाइम में, 60s 80s के टाइम में, कि हम उनसे लड़ सके, कॉम्पीट कर सके। तो सरकार ने क्या किया, हमें दिया प्रोटेक्शन कि भैया ठीक है हम उसको अंदर आने ही नहीं देंगे, बाउंड्री के बाहर ही रहेगा फॉरेन कंपनी जो हमसे बेटर प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, इट वाज अज्यूम दैट इफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड दे वुड लर्न टू कंपीट इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो एक होता है ना भैया कंपटीशन की तैयारी चल रही है, इसीलिए बाहर वाले को आने नहीं दिया जा रहा कि भाई हम जब लड़ने के में सक्षम हो जाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, आपसे भी अच्छा बनाएंगे और कम रेट में पूरी दुनिया में बेच पाएंगे तब हम आपसे लड़ेंगे। ठीक है, तो भाई गवर्नमेंट ने हमें प्रोटेक्शन क्यों दिया है इंडस्ट्रीज को, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज जो भी बना रही हैं वो बिके उनका सामान, क्योंकि अगर बाहर से सस्ता सामान ले लेगा भारत के लोग तो उनका सामान नहीं बिकेगा। तो क्या हो गया भाई, हमने ट्रेड प्रोटेक्शन दिया, टैरिफ कोटा लगाया ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फायदा हो, उनको कंपटीशन से बचाने के लिए प्रोटेक्शन रखी कि बाहर वाले जो हैं इंडस्ट्रीज हमारे घर में हमारे भारत में ना आ पाए। लेकिन इसका नुकसान भी है, ठीक है, फायदा है तो नुकसान भी है। फायदा क्या है कि भाई हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से GDP है वो बढ़ के 13% से 24.6 हो गया। भाई बहुत अच्छी राइज मिली, याद रखने वाला फिगर है 13% 1950-51 से 24.6% हो गया है, कितना अच्छा बढ़ गया हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट। ठीक है, द 6% एनुअल ग्रोथ रेट, तो हमने क्या देखा, हमें मिला 6% हर साल, हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 6% हर साल बढ़ रही है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इनेबल टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्री। इंडिजिनस इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो हमको बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ना, इंडिजिनस मतलब जो चीज़ें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट वाली जो चीज़ें आप बाहर से ना मंगवाओ यार,
ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीजें आप अपने घर में ही प्रोड्यूस करो ताकि आपकी फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो इंडिजिनस इंडस्ट्री मतलब जो चीजें हमको अपनी डे टू डे लाइफ में चाहिए वो हम अपने घर में, अपने इंडिया में, अपनी इंडस्ट्रीज में बना रहे थे। ठीक है, इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल्स सेक्टर, तो भाई इंडिजिनस इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों या गाड़ियों का टायर हो गया, उनकी इंजन हो गया, ये सब हम अपने घर में यानी अपने इंडिया में हम बना रहे थे। चलिए, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, कौन सी पॉलिसीज हमने भाई प्रोटेक्शन लगाया, टैरिफ कोटा लगाया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लगाई, लाइसेंस की पॉलिसी लगाई, तो इनसे क्या हमें फायदा नुकसान हुआ है। तो इंडस्ट्री कंटिन्यू टू बी रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर इवन आफ्टर इट वाज रियलाइज्ड दैट प्राइवेट सेक्टर कुड, भाई आपको पता है आपका प्राइवेट सेक्टर भी बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है, फिर भी सरकार ने जकड़ रखा है कुछ इंडस्ट्रीज को, पकड़ रखा है कि भाई हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम ही कंट्रोल करेंगे। तो भाई हम ही कंट्रोल करेंगे ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है कि भाई कैटेगरी में ए में मान लिया पहली कैटेगरी आईपीआर में आपको कुछ इंडस्ट्रीज मिली है, लेकिन अब अगर प्राइवेट सेक्टर उनको संभालने में अच्छी है, छोड़ दो ना यार, क्यों पकड़ के बैठे हो। तो भाई कुछ ऐसी है, जैसे टेली कम्युनिकेशन, तो हमको पता है भाई हमारे घर में डब्बे हुआ करते थे बीएसएनएल के, तो बीएसएनएल ही था, बीएसएनएल के अलावा किसी और को आने ही नहीं देते थे। तो जैसे ही बीएसएनएल को के बाद अलाउ किया, प्राइवेटाइज किया, जियो भी आया, वोडाफोन भी आया, हच, पहले हच था, फिर वोडाफोन बन गया, एयरटेल, एयरसेल, लोगों पता नहीं कितनी टेली कम्युनिकेशन की कंट्रीज इंडिया में आके इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, मॉडर्न ब्रेड आपने देखा होगा, मॉडर्न ब्रेड बहुत फेमस है। ठीक है, हमने कभी ना कभी जब भी ब्रेड आता है तो आपने मॉडर्न ब्रेड तो खाई ही होगी। तो ये भी कंपनी पहले सरकार की थी, फिर उन्होंने सोचा यार लॉस हो रहा है, जान दो, छोड़ दो, जान बचाओ, तो उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया चलाने के लिए। मॉडर्न ब्रेड 2001 में ब्रेड को प्राइवेटाइज किया, नहीं तो भाई सरकार बनाएगी तो ही डबल रोटी खाएंगे। ठीक है, तो मॉडर्न ब्रेड भी है हमारा एग्जाम्पल। ठीक, लाइसेंस राज, तो भाई द नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस टू स्टार्ट एनी इंडस्ट्री वाज मिसयूज, कैसे भाई जो लार्ज फर्म्स थी वो लाइसेंस ले लेती थी लेकिन फर्म स्टार्ट नहीं करती थी, नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स। अब भाई मैंने लाइसेंस ले लिया कि मैं अगरबत्ती का बिजनेस करूंगी, तो अब मुझे मिल गया तो सरकार किसी और को नहीं देगी, क्योंकि अगर बहुतों को दे देगी तो उनके हिसाब से तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा। तो लाइसेंस ले लेके रख लो, भले ही फर्म, इंडस्ट्री, फैक्ट्री स्टार्ट करनी बाद में कर लेंगे, लेकिन लाइसेंस पहले रख लिया ताकि हम ही, हमारे पास हमारी मोनोपोली बने, हम ही वो स्टार्ट करें। तो लार्ज फर्म्स ने लाइसेंस का ये दुरुपयोग यानी कि नेगेटिव यूज़ किया। ठीक है, डीमेरिट क्या हुआ प्रोटेक्शन से, भाई जब हमने प्रूफ कर दिया कि हम कंपटीशन के लिए तैयार हैं, हम देश के दूसरे देशों की कंपनी से, फर्म से लड़ सकते हैं, तो भाई अब छोड़ दो हमें खुला, लेकिन नहीं, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट द इंडियन कंज्यूमर हैज टू परचेज सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, घटिया क्वालिटी के, कम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का, क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन था नहीं, क्लोज्ड इकोनॉमी करके बैठे थे, बाहरों को अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर आने के लिए। तो जो सारे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने क्या सोचा, भैया बैठ जाओ, चेयर लो, बैठ जाओ, क्वालिटी के बारे में सोचना ही नहीं है, आराम से बैठो, कौन देख रहा क्वालिटी कैसी है, कैसी भी क्वालिटी पेलम पेल पेल दो बस, ठीक है कि कुछ भी बेच दो चल जाएगा। ऐसा हुआ तो भैया कंज्यूमर्स को नुकसान, इन द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस कि भैया हम कुछ सीखेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, इंडिया प्रोड्यूसर्स वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन कॉम्पिटिशन, डिड नॉट गिव एनी इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी, तो उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं, कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि क्वालिटी इंप्रूव कर दें हम अपने प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव नहीं की, कंपटीशन के लिए तैयार नहीं हुए। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेवे प्रिवेंटेड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, भाई अब आप इतने लाइसेंस लगवाओगे, ठीक है कि इसका लाइसेंस लो, ये पेपर वर्क करो, ये डॉक्यूमेंटेशन करो, तो जो बिजनेसमैन है ठीक है उस पर इतना टैक्स लगा दोगे तो बिजनेसमैन बोलेगा कौन तो बिजनेस करे इंडिया में, छोड़ो। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये एक नेगेटिव चीज थी, उनका ग्रोथ नहीं हुआ, एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन यानी सरकार की ज्यादा दखल अंदाजी जो है वो नहीं चलेगी।
आए आगे, डीमेरिट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. अब बहुत ज्यादा गुड से ज्यादा तो हार्म हो गया, भलाई से ज्यादा हमारी बुराई हो गई यहाँ पे. इंडियन पॉलिसीज वर इनवर्ड ओरिएंटेड, भाई अपने को देखो, बाहर मत देखो, खुद प्रोड्यूसर जो हैं, खुद की चीज़ें बनाओ, बाहर का बाद में देखेंगे. फेल टू डेवलप स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बेस, तो हमने एक्सपोर्ट बेस तो बनाया ही नहीं कि भाई अपने घर घर में ही रह गई. ऐसा नहीं कि भाई अगर इंडिया हैंडीक्राफ्ट में अच्छा है, स्पाइसेस में अच्छा है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी कुछ कुछ चीज़ों में अच्छा है, तो भाई बाहर भेजो ना. लेकिन नहीं, वो तो हमने एक्सपोर्ट करने का तो सोचा ही नहीं, बस यही सोचा भाई इम्पोर्ट मत करो, इम्पोर्ट मत करो, इम्पोर्ट. अरे इम्पोर्ट मत करो लेकिन एक्सपोर्ट करो, उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा, इनकम आएगा, ये तो सोचा नहीं. द नीड फॉर रिफॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज वाइडली फेल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो. तो अब समझ में आएगा भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी. तब जो हमारे उस वक्त के फिनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, उन्होंने बोला भैया हमको ज़रूरत है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की, जहां हमने LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करी, और ये सारी चीज़ें हमने ली. ठीक है, आई बात समझ कि नहीं आई? ओके, तो भाई एलपीजी हमने लिया टू मेक इंडियन इकोनॉमी मोर एफिशिएंट. तो यहाँ हमने बात करी हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री की. तो भैया जल्दी से आपको क्या करना है, इजीली का ऐप डाउनलोड करना है, फ़ोन नंबर डालना है, अगर आप नए यूज़र हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा. अपने अकाउंट के में आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, अपना नाम, जेंडर, लोकेशन रखना है ऑन, OTP मिलेगा, OTP डालिए, फिर आप हमारे साथ हमारा क्लास 11, 12 का, नीट, JEE का और CUET की पढ़ाई आप हमारे साथ कर सकते हैं. तो भैया ये आपका कौन सा बैच है? ये है आपका शिखर बैच. ठीक है, शिखर बैच है जो कि क्लास 12 के लिए है, तो आपको 12 का शिखर बैच लेना है. ठीक है, अगर आप CBSE में, और अगर आपको माइक्रो पढ़ना है तो आप उदय बैच में भी आ सकते हैं हमारे साथ. क्लास 12 यहाँ पे, 11 अपनी क्लास जो भी आपने सिलेक्ट करनी है वो यहाँ आएगी, क्लास 12 या 11, तो उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आप हमारे साथ अकाउंट्स, BST, इको और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं. कोड डालिए फ्री इजीली, ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. तो भैया हम थोड़ा टाइम टेबल भी तो बता दें, टाइम टेबल क्या है. आज सैटरडे तो हम आपके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं 12 में, और अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं रोशन सर के साथ क्लास 11 में, उदय बैच में. ठीक है, उदय बैच में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं 12 में. आगे चलें, तो ये है हमारा थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी क्लास ली, कुछ सीखा तो बताइएगा कमेंट करके कि आज की क्लास आपको समझ आई कि नहीं. कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा. आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ, राइट, क्योंकि ये चैप्टर आज हमने कर लिया है फिनेस. क्या कर लिया है? फिनेस. तो भाई ये चैप्टर आज हो गया है, अगली बार हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के नए चैप्टर के साथ मिलेंगे. थैंक यू सो मच. और क्या करना है, रिवाइज करना है, वीडियोस देखने हैं, लेकिन हंसते मुस्कुराते, है ना, क्योंकि भाई हमारा लाइन ही है कि इजीली लर्न विद अ स्माइल. थैंक यू एंड बाय बाय.